राम 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 नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार एसटीटी के बारे में। एसटीटी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। एसटीटी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों द्वारा प्रमाण पत्र निर्गत करने की मांग काफ़ी तेज हो चुकी है। एक तरह से कह सकते हैं प्रमाण पत्र निर्गत करने की मांग चरम पर पहुँच चुकी है। अब आगे बात कर लेते हैं कि एकता में बल की बात निकल कर सामने आ रही है। तो सभी अभ्यर्थी शांतिपूर्वक अपनी बातों को रखेंगे जिससे प्रमाण पत्र निर्गत शीघ्र हो सके। अब आगे देख लेते हैं। एसटीटी अभ्यर्थियों उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। तो जी बिल्कुल सही बात है कि अभ्यर्थियों को लक्ष्य की प्राप्ति तक नहीं रुकना चाहिए। अब आगे देख लेते हैं। दिवाली की खुशियाँ तभी संभव है जब क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट की प्राप्ति हो। तो यह बिल्कुल सही बात है कि जो क्वालिफाइड हैं परीक्षा दिए हैं और क्वालिफाइड किए हैं उन लोगों को सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। सर्टिफिकेट अधिकार है उन लोगों को मिलना चाहिए। अब आगे देख लेते हैं कि अब ऐसा लगता है तो अनुमान लगाया जा रहा है कि दिवाली से पहले रिजल्ट कार्ड के साथ साथ सर्टिफिकेट भी सभी एसटीटी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को मिलेगा अन्य टीटी की तरह। तो पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं रिजल्ट कार्ड और सर्टिफिकेट पर, एक बार इस वीडियो में भी देखने वाले हैं। तो आइए वीडियो को देख लेते हैं। उस वीडियो को आप लोग यदि पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो किसको रिजल्ट कार्ड की बात करें तो मार्कशीट किसको मिलेगा, स्कोर कार्ड किसको मिलेगा और सर्टिफिकेट किसको मिलेगा, इन सभी बातों को देखने वाले हैं। तो सर्टिफिकेट की बात करें तो सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को मिलता है। आगे बात कर लेते हैं। पिछले वीडियो में बताए हुए थे कि अनुमान लगाया जा रहा था कि प्रमाण पत्र शब्द समाप्त होने की, तो कारण यह है कि सभी जगह आप लोग देखते भी हैं और सुनते भी हैं रिजल्ट कार्ड के बारे में ही जिक्र किया जाता है, निर्गत करने की बात सामने आती है रिजल्ट कार्ड निर्गत करने की बात। तो ऐसे में अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रमाण पत्र शब्द समाप्त हो जाए। लेकिन अब इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जैसा कि आप लोग देख चुके हैं इस वीडियो में भी प्रमाण पत्र निर्गत करने की मांग चरम पर पहुंच चुकी है, काफ़ी तेज हो चुकी है। तो ऐसे में अब अनुमान लगाया जा सकता है कि दिवाली से पहले आप लोगों को रिजल्ट कार्ड के साथ साथ प्रमाण पत्र भी निर्गत किया जाए, सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र निर्गत किया जाए। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को मिलता है। अब आगे बात कर लेते हैं मार्कशीट की। तो मार्कशीट जिसे आप लोग स्कोर कार्ड कहते हैं तो शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को मिलता है। और रिजल्ट शीट जैसा आप लोगों का रिजल्ट आया है उसमें जिक्र किया गया है रिजल्ट के बारे में, 12 मार्च को जो रिजल्ट आया था तो आप लोग देख सकते हैं वहाँ भी। और रिजल्ट कार्ड की बात करें तो परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को मिलने की बात निकल कर सामने आ रही है, जो भी बिहार एसटीईटी की परीक्षा दिए थे। तो यही बात है। अब आगे देख लेते हैं। तो यहाँ देख लीजिए आप लोग, सेंट्रलाइज्ड और ऑनलाइन बहाली की बात निकल कर सामने आई थी 7वें चरण में। इससे पहले बात करें कि अब कोई परीक्षा नहीं होगा, सीधा नियुक्ति पत्र मिलेगा। पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं विस्तार से कारण सहित। आप लोग यदि उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के लास्ट में आपको उस वीडियो का लिंक दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। लिंक भी रहेगा और उस वीडियो को भी आपको दिखाई देगा लास्ट में, तो आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं सेंट्रलाइज्ड और ऑनलाइन बहाली के बारे में। तो इसमें ऐसा हो सकता है, ऐसा होना चाहिए जो कि अच्छी संकेत कही जा सकती है। तो सेंट्रलाइज्ड और ऑनलाइन बहाली के बारे में पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं विस्तार से। तो इस वीडियो में थोड़ी सी जानकारी संक्षेप में बता देते हैं कि एसटीईटी 2019 के कैंडिडेट भी इसमें शामिल होंगे 7वें चरण की बात करें, और जो यदि बच जाते हैं एसटीईटी 2011 के कैंडिडेट वो भी शामिल होंगे। तो उसमें क्लिक करने का ऑप्शन दिया जाए, एसटीईटी 2019 को क्लिक करने के बाद फिर नेक्स्ट करने के बाद अगले स्टेप में पहुँचे, और उसके बाद सिर्फ जो एप्लीकेशन एसटीईटी 2019 का था उस एप्लीकेशन रोल नंबर से ही लॉगिन हो और सभी डिटेल्स ऑटोमेटिक फिल हो जाएं, जिससे फर्जी गड़बड़ियाँ बिल्कुल नहीं हो। तो ये सभी के लिए आप लोग को चाहिए, और इस तरह से यदि होता है तो अच्छी खबर कही जा सकती है क्वालिफाइड अभ्यर्थियों के लिए। तो ऑटोमेटिक फिल हो जाता है, और अन्य जानकारी जैसे कि डिस्ट्रिक्ट चॉइस हो गया तो सभी ज़िले का चॉइस का ऑप्शन दिया जाए, सभी ज़िले को भरने का ऑप्शन दिया जाए, अपने मनपसंद के अनुसार सभी सेलेक्ट करेंगे। तो ये सभी बातें पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं।